नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। मिर्जापुर जिले से कोरोना के वेरिएंट को देखते हुए समुचित व्यवस्था के साथ ही 4 ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहे हैं। कोविड से जिले में 116 लोगों के मौत का आंकड़ा जिला प्रशासन के पास है, जिनके परिजनों को 50,000 रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है। मिर्जापुर जिले में कोविड की चपेट में आकर अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिवार की मदद के लिए 50,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज 116 लोगों को सूची बनाई गई है, जिसमें से अधिकांश लोगों को सहायता प्रदान की गई है। अब तक सूची में शामिल होने से वंचित लोगों के बारे में आंकड़ा इकट्ठा किया जा रहा है, उनके परिजनों को भी सहयोग प्रदान किया जाएगा। मिर्जापुर से हरीश चंद्र की रिपोर्ट। कोविड-19 से जो डेथ हुई है और जो हमारे अस्पताल में हुई है और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल का जो डेटा है, उस पर कुल 116 लोग हैं और 116 डेथ हमारे यहाँ पे रिपोर्टेड है। उन 116 लोगों से हम फॉर्म वगैरह मंगवा करके और उनको भरवा रहे हैं। उसमें से अभी 80 लोगों ने अप्लाई किया है और 74 लोग ऐसे हैं जिनको हम 50,000 रुपये की धनराशि दे चुके हैं। बाकी और भी लोगों के हम संपर्क में हैं। इन 116 में से 7-8 लोग ऐसे हैं जो हमारे जनपद से बाहर के हैं, उनसे भी हम संपर्क कर रहे हैं। इसके अलावा अगर किसी भी व्यक्ति के पास कोविड-19 से पॉजिटिव होने का या डेथ होने का सर्टिफिकेट है, तो वो व्यक्ति भी इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जिन व्यक्तियों को जैसे चुनाव ड्यूटी या उसमें पहले धनराशि सहायता राशि दी जा चुकी है, उनको छोड़ करके जो भी कोविड-19 से डेथ हुई, उनको 50,000 रुपये की धनराशि दी जा रही है। अच्छा सर, ये नया वेरिएंट आया है, इसमें तैयारी भी अब काफ़ी फोकस की जा रही है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। कितने ऑक्सीजन प्लांट हैं सर जो आपके कंप्लीट हैं? हमारे जनपद में कुल 4 ऑक्सीजन प्लांट हमने लगवाए हैं और मुख्य रूप से हमने जो फोकस किया है, हमारे जो डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं और शहर के पास में हमारा एक विंध्याचल है जो शहर से बिल्कुल नज़दीक है, वहाँ पे हमने ऑक्सीजन प्लांट लगवाए हैं और चारों हमारे ऑक्सीजन प्लांट बिल्कुल फंक्शनल है, कहीं पर किसी प्रकार कोई इश्यू नहीं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज़।